2304, ये बड़ा सा नंबर आ गया। ठीक है, 2304। अब आप यहाँ देखो हमारी लास्ट डिजिट क्या आई है, 4। अब लास्ट डिजिट 4 आने का मतलब क्या है, वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब ये बड़ा नंबर है, आप इसको क्या करोगे, अपना यहाँ इधर लिख के ही डिवाइड करो। 2304, 2 से, 2 1 ज़ा 2, 3 लिया हमने, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, फिर हमने 0 लिया, 2 5 ज़ा 10, फिर हमने 4 लिया, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो जब हमने इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड किया तो कितना आता है, 1 1 5 2। ठीक है, अब फिर ये बड़ा सा नंबर है, लास्ट में 2 है, तो ये किससे डिविजिबल हो रहा होगा, ये हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 5 ज़ा 10, 1 एंड 5। ठीक है, 2 7 ज़ा 14, 1 रिमाइंडर, 2 हमने ले लिया यहाँ, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन 2 लिखो, ये हमारा किससे डिवाइड हो रहा है, 576 पे। ठीक है, अब फिर लास्ट में फिर से वही, अब मैं ओरली करा रही हूँ आपको। ठीक है, जिसको ओरली आ जाए अच्छा है, जिसका ओरली नहीं हो रहा वो अपना डिवाइड करके करते रहना साथ में। ठीक है, एक पेपर रख के उस पर डिवाइड करते रहना। अब हम इसको ओरली भी, क्योंकि आपको देखो आना तो ओरली ही चाहिए। अब 2 की हम देखो इसको डिवाइड करेंगे, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, तो 5 से छोटा नंबर लो। तो 5 से छोटा नंबर क्या होता है, देखो ये भी डिवाइड है और ये भी डिवाइड है, बस यहाँ हम लिख लिख के करते हैं, यहाँ हम थोड़ा मन में कर लेते हैं। अब 2 की टेबल में देखो 5 से छोटा नंबर कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 1 रह गया, 1 यहाँ से और 7 यहाँ से, 17। तो 17 से छोटा नंबर लो, 2 8 ज़ा 16, जबकि था कितना 17, तो 1 रह गए और 6 यहाँ से, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, अगेन लास्ट डिजिट 8 है, तो वो 2 से डिविजिबल होगा। 2 की टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 पे। 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे, 2 4 ज़ा 8। 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 4 ज़ा 8। अब फिर लास्ट डिजिट 4 है, वो फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, अगेन लास्ट डिजिट 2 है, फिर वो 2 से डिविजिबल है। लास्ट डिजिट क्या आए, 0 2 4 6 8, तो वो पूरा ही नंबर 2 से डिविजिबल। देखो अब आपको लग रहा होगा कि जिस टाइम मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाली वर्कशीट कराई थी, उस टाइम आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्यों बार बार डिविजिबिलिटी रूल सिखा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं वो। 2 की टेबल में देखो 6 नहीं आता, तो इस 7 नहीं आता, तो इससे छोटा नंबर ले लो, 2 3 ज़ा 6 होते हैं। ठीक है, तो हमने कह लिया 2 3 ज़ा 6, तो 1 रह गया यहाँ से, 1 यहाँ से और 2 यहाँ से, 12 बन गया। 2 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 6 ज़ा। अगेन लास्ट डिजिट 6 है, तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो एक छोटा ले लो, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ से 1 और यहाँ से 6, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, ये बीच में वीडियो ब्रेक हो गया था। 2 की टेबल में 18 कहाँ पे आता है, 2 9 ज़ा 18। अब 3 की टेबल में 9 कहाँ पे आता है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। 1 आ गया, तो इट मीन्स हमारी प्रोसेस यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टॉप। ठीक है, देयरफॉर आर प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2304 इज, अब हम यहाँ चेक करें कि 2 कितने बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे ऐसा पूरा कंप्लीट ऐसे लिखें, आप डायरेक्ट इसमें से भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स आया, तो हम लिख देंगे 2 रेज़ टू पावर 8। और 3 कितने बार लिखा है हमने यहाँ पे, 2 टाइम्स लिखा है, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखा है, तो 3 रेज़ टू पावर कितना जाएगा, 2। यही हमारा आंसर है। जी पार्ट नेक्स्ट है, इसी में इसका हमारा पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। जी एच, थ्री वन टू एंड फाइव। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो,
हमारे प्राइम नंबर, सबसे पहला हमारा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो हमारा क्या है, टू है। अब आप अपने मन में सोचो क्या ये टू से डिविजिबल है। हमारे लास्ट डिजिट क्या आनी चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8, क्या इनमें से है लास्ट डिजिट? नहीं, तो टू से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो टू से नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर क्या है, 3। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हो, या तो 1 से या अपने ही पे आप। ठीक है, तो 2 से हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3। ठीक है, अब 3 हमारा नंबर है 3, 1, 2, 5। ठीक है, आप सम ऑफ डिजिट निकाल लो, मीन्स 3 + 1 + 2 + 5। ठीक है, सम करके देखें उनका। 3 + 1 कितना होता है, 4। 4 + 2 कितना होता है, 6। 6 + 5 कितने होते हैं, 11। एक बार दोबारा चेक करो, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11। तो क्या ये आपका डिवाइड होगा? ये भी नहीं होगा, क्योंकि अगर सम हमारा 3 से डिविजिबल होता, 3 की टेबल में तो 11 नहीं आता, तो ये 3 से भी नहीं हो रहा। अब हमारे प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, ऐसे आगे, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब 5 से चेक करो। ठीक है, अब आप याद करो कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होता था, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। अगर लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, यही था ना। अगर आपको ये, मतलब इस टाइम पे ये थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि हमें याद नहीं है, तो आप अपनी पहले वाली जो कॉपी पे आपने जहाँ पे भी लिखा होगा ना डिविजिबिलिटी के रूल्स लिखे होंगे, या फिर अगर नहीं लिखे हैं तो आप उसको देख लेना, वीडियो में लिखा हुआ डिविजिबिलिटी रूल्स। ठीक है, तो आप यहाँ देखो लास्ट डिजिट 5 है, तो मीन्स ये हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 5 से। ठीक है, डिवाइड करके देखते हैं, 3, 1, 2, 5 एंड डिवाइडेड बाय 5, 5, 6 30, 1 रिमाइंडर। हमने 2 यहाँ नीचे ले लिया। 5 की टेबल में देखो 12 आता है, 5, 2 10 आते हैं, 12 नहीं आता है। 2 रिमाइंडर, 5 हमने यहाँ लिया, 5, 5 20, 25। ठीक है, तो हमारा कितने पे डिवाइड हुआ है, पूरा 625 पे। तो हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 625। अब लास्ट डिजिट 5 है, अब लास्ट डिजिट 5 है, तो मीन्स ये भी हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 625, ये भी हमारा किससे हो जाएगा, 5 से। 5 1 5 1 2, 5 2 10, 5 5 20 5। ठीक है, तो 5 से क्या, तो 125। ठीक है, अब फिर देखो लास्ट डिजिट हमारी क्या आ रही है, 5, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं ओरली करके दिखा रही हूँ, क्योंकि नंबर जब छोटे हो जाते हैं तो उनको ओरली डिवाइड करना इजी रहता है। ठीक है, अब 5 की टेबल में देखो 12 नहीं आता, तो उससे छोटा नंबर तो आता होगा, 5 2 10 आते हैं। ठीक है, तो 12 में से 10 जाएंगे तो 2 रह जाएगा यहाँ से, और यहाँ से 5, मीन्स 25 बन गया। तो 25 कहाँ पर आता है, 5 5 20 5, अगेन 5 5 20 5, 5 1 5। ठीक है, तो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएंगे, हैंस प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3, 1, 2, 5 इज 5। अब हम चेक करेंगे कि इसकी पावर कितनी आनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स आया, तो 5 रेज़ टू पावर 5। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 1, 2, 6, 0। अब आप चेक करो लास्ट डिजिट 0 मीन्स वो 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 2 की टेबल में 1 नहीं आता, तो दो डिजिट ले लो। 2 की टेबल में 12 आता है, 2 6 12, 2 की टेबल में 6 आता है, 2 3 6, यहाँ तक पूरा डिवाइड होगा, मीन्स 0 ऐसे ही आएगी। ठीक है, अब लास्ट डिजिट 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है, 2 3 6, ये तो हो गया पूरा पूरा डिवाइड। अब इसको चेक करो 3 को, क्या 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता, इससे एक छोटा नंबर ले लो, 2 1 2, हमने क्या लिया, 2 1 2, तो यहाँ तो 3 है, मीन्स एक रह गया अभी, 1, और यहाँ से 0, 2 5 10। मैं अभी आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपको ओरली में दिक्कत आ रही है तो आप डिवाइड कर लेना अलग से, डिवीज़न आप सबको आती है। अब लास्ट डिजिट हमारी 0 नहीं है, मीन्स अभी 2 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। आप चेक करो 3, 1 और 5 के डिजिट का सम निकाल लो, 3 + 1 4, 4 + 5 9। ठीक है, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, 9, तो 9 तो 3
देखो डाउट में नहीं जाना, इनको प्लस किया है मैंने, 516 603 9, 9 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, तो मीन्स ये सारा ही डिविजिबल है 3 से, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अच्छा ये बहुत ध्यान से देखना है, इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, 3 1 ज़ा 3, अब 1 डिवाइड नहीं होता तो 3 5 ज़ा 15 ये लिखते हैं वो, जबकि ऐसा नहीं है। मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, 3 1 ज़ा 3, हमने 1 लिया, डिवाइड नहीं हो रहा तो हमें यहाँ 0 लगानी ज़रूरी है। जब हमारा फर्स्ट हम 1 डिजिट लेते हो, डिवाइड नहीं होता तो 0 लगानी है, 3 5 ज़ा 15। अब आप देखो 15 और 105 में तो बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। अगेन ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ डिजिट 5 + 1 कितने होते हैं 6, 3 3 ज़ा 9, 1 यहाँ से रह जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 के बाद 10 मीन्स 1 है, 1 यहाँ से और 5 यहाँ से, 15 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं होगा, ठीक है। अब 3 के बाद हमारा कौन सा नंबर आता है प्राइम नंबर में, 2 3 3 से अगला नंबर क्या है, 5, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन, हैंस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 1 2 6 0 इज़ 2 2, हाउ मेनी टाइम 2 इज़ रिपीटेड हियर, 2 टाइम्स, 2 रेस्ट पावर 2, 3 इज़ रिपीटेड 2 टाइम्स, देयरफॉर 3 रेस्ट पावर 2, 5 ओनली 1 टाइम, देयरफॉर 5 मल्टीप्लाई एंड 7, देयरफॉर आंसर इज 2 रेस्ट पावर 2, 3 रेस्ट पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।